यह कहानी दो गारो हेलेनियन जात से संबंधित चचेरे भाइयों की है, जिनका नाम मुराद और एरम था। यह जाति अपनी ईमानदारी तथा सच्चाई के लिए जाना जाता था। मुराद 13 वर्ष का और कथावाचक एरम 9 वर्ष का था। दोनों घुड़सवारी करना पसंद करते थे, लेकिन गरीबी के कारण वे घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। दोनों को जोखिम भरे कार्य करना पसंद था। दोनों इस बात को भली भांति जानते थे कि उनका परिवार ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है, लेकिन मुराद बैरों का घोड़ा चुराने से अपने आप को रोक नहीं पाया। आखिर क्यों? आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं और यह समझते हैं कि घोड़ा चुराने के बाद मुराद पकड़ा गया या नहीं, उसके परिवार की ईमानदारी और सच्चाई प्रभावित हुई या नहीं। कहानी का आरंभ प्रातः 4 बजे होता है, जब मुराद एरम की खिड़की को थपथपाकर उसे पुकारते हुए जगाया। एरम बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर जो कुछ देखा उस पर विश्वास न कर सका। यद्यपि गर्मी का मौसम था, लेकिन सुबह नहीं हुई थी, फिर भी इतनी बात तो साफ थी कि वह कोई स्वप्न नहीं देख रहा था। मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। एरम खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला तथा आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। मुराद ने आर्मेनिया की भाषा में उससे कहा, अरे तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, यह एक घोड़ा है, अगर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। एरम अपनी गरीबी तथा पूरे गारो हेलेनियन परिवार की आर्थिक विपन्नता के साथ ही पिछले 11 शताब्दियों से अपने परिवार की ईमानदारी की प्रसिद्धि को मन ही मन सोचता है। वह सोचता है कि उसका चचेरा भाई मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता। अगर वह खरीद नहीं सकता तो क्या वह चोरी किया होगा? उसे विश्वास नहीं होता है कि वह घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि गारो हेलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। उसने मुराद और घोड़े दोनों की ओर घूर कर देखा। दोनों की आंखों में एक पवित्र शांति ने एक ओर तो एरम को आनंदित कर दिया, परंतु दूसरी ओर उसे बहुत भयभीत कर दिया। उसने कहा, मुराद तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया? मुराद ने कहा, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो आओ। अब एरम को विश्वास हो जाता है कि वह घोड़े को चुराया था, लेकिन वह घुड़सवारी करे या न करे यह उस पर निर्भर करता था। एकाएक उसके मन में विचार आया कि सवारी के लिए घोड़े चुराना कुछ और चीजों की चोरी करने जैसा नहीं था। वह सोचा कि जब तक घोड़े को बेचने का प्रस्ताव न रखे तब तक तो यह चोरी हो ही नहीं सकती थी। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वे इस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे। वह कपड़े पहनकर खिड़की से आंगन में होता हुआ उछलकर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। 3 मिनट से भी कम समय में ये दोनों ओलिव एवेन्यू पर थे। घोड़े ने सरपट चलना शुरू किया। सुंदर हवा चल रही थी। मुराद, जिसे परिवार में सनकी समझा जाता था, गाना शुरू कर दिया। गाने का मतलब है कि वह ठहाके मारने लगा। हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का एक स्वाभाविक वंशज था। इससे पहले भी भारी डील डॉल वाले, सर पर काले बाल तथा बड़ी बड़ी मूछों वाले उसके चाचा खोसरोव थे, जो बहुत ही क्रोधी तथा चिड़चिड़े स्वभाव के थे। अपनी ऊंची आवाज के आगे वे किसी को बोलने ही नहीं देते थे। उनका तकिया कलाम था, इसमें कोई हानि नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो। कहानी में सनकीपन का उत्कृष्ट उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब एक बार चाचा खोसरो नाई की दुकान पर अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे कि उनका बेटा अरक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और बताया कि घर में आग लग गई है। खोसरो ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही दहाड़ा, कोई हानि नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो। नाई ने उन्हें बताया कि आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। इस पर खोसरो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो चुका, मैंने कह दिया ना, कोई हानि नहीं है। मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे, जो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, इस बात से स्पष्ट है कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेस, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब है कि किसी बालक का पिता भले ही हो जाए, पर यह आवश्यक नहीं है कि वह बालक के
मनोवृत्ति का भी जनक हो। दोनों घोड़े पर सवार थे। मुराद गा रहा था। उसने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसकी इच्छा हुई। फिर मुराद ने इरम को नीचे उतरने को कहा क्योंकि वह अकेले सवारी करना चाहता था। इरम ने कहा क्या आप मुझे भी अकेले सवारी करने देंगे? मुराद ने कहा यह तो घोड़े पर निर्भर है, नीचे उतरो। इरम ने कहा घोड़ा मुझे सवारी करने देगा? मुराद ने कहा हम देखेंगे, पर तुम यह मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना यानी चलाना जानता हूँ। इरम नीचे उतर गया। मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और आवाज़ दिया वजीरे दौड़ो। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ गया। बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर गया। उसने गड्ढे को भी पार किया और 5 मिनट बाद पसीने से तरबतर होकर लौट आया। इरम ने कहा अब मेरी बारी है। मुराद ने कहा लो कर लो सवारी। इरम घोड़े की पीठ पर बैठ गया। क्षण भर उसे भय महसूस हुआ, घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब मुराद ने कहा घोड़े की मांसपेशियों में लात मारो, विलंब मत करो, लोगों के उठने से पहले हमें घोड़े को वापस ले जाना है। इरम ने घोड़े के मांसपेशियों में लात मारी। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा होकर नाक से आवाज़ निकाला और दौड़ना शुरू कर दिया। मैदान से होता हुआ सिंचाई के नाले पर जाने के बजाय वह डिकरान हलेवियन के अंगूर के बाग में पहुंच गया। वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। इरम के नीचे गिरने से पहले घोड़े ने अंगूर के 7 बेलों को रौंद दिया। इरम जमीन पर गिर गया, फिर भी घोड़ा दौड़ता रहा। मुराद उसके गिरने की चिंता किए बगैर यह कहते हुए कि तुम उस तरफ जाओ, वह घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ गया। घोड़े को खोज कर ले आने में उसे 1/2 घंटा लग गया। इरम ने कहा हम घोड़े को कहाँ छिपाएंगे? मुराद ने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ, वह घोड़े का अंगूरों के खेत में स्थित एक सुनसान भंडार गृह तक ले गए जो किसी समय किसान का हुआ करता था। वहाँ कुछ जई तथा पशुओं को दिया जाने वाला हरा चारा रखा था। घोड़े को वहाँ छोड़कर मुराद बताता है कि वह घोड़े को साधना जानता है, मैं जो चाहूँ घोड़े से करवा सकता हूँ, घोड़े मुझे समझते हैं। दोनों अपने अपने घर चले गए। उसी दिन दोपहर बाद खोसरो काफी तथा सिगरेट पीने इरम के घर आए। काफी तथा सिगरेट पीते हुए वे पुराने दिनों को याद करने लगे। तभी जान बैरो नाम का एक किसान जो एसीरिया का निवासी था आगंतुक के रूप में आया। इरम की मां ने उसे भी कॉफ़ी और सिगरेट दिया। कॉफ़ी की चुस्की लेने और सिगरेट पीने के बाद वह उदासीपूर्वक कहा मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया और अभी तक नहीं मिला। चाचा खोसरो जोर से चिल्लाए इसमें कोई हानि नहीं, घोड़े का खोना भी कोई खोना है? क्या हम सभी ने अपनी मातृभूमि नहीं खो दिया है? फिर घोड़े के लिए रोना धोना क्यों? किसान ने कहा उस घोड़े के मैंने $60 दिए हैं। खोसरो ने कहा मैं पैसे पर थूकता हूँ। किसान चला गया। इधर इरम भाग कर मुराद के घर पहुँचता है। मुराद एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटे रोबिन पक्षी के घायल पंखों की मरम्मत कर रहा था जो उड़ नहीं सकता था। वह पक्षी से बातें कर रहा था। इरम को देखकर मुराद ने पूछा क्या बात है? इरम ने बताया कि किसान बैरो उसके घर आया था और वह अपना घोड़ा चाहता है, लेकिन तुम यह वायदा करो कि घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी सीख नहीं जाता। मुराद ने कहा घुड़सवारी सीखने में तुम्हें कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। वह चिल्लाया क्या तुम गारोखलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके मालिक के पास ही जाना है। इरम ने पूछा कब? मुराद ने कहा अधिक से अधिक 6 माह के अंदर। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। 2 बार की कोशिश के बाद पक्षी अंततः उड़ गया। 2 सप्ताह तक दोनों उस भंडार गृह से घोड़े को निकाल कर सवारी करते रहे, लेकिन जब भी इरम की बारी आती थी घोड़ा उछल कूद कर उसे गिरा कर भाग जाता था। लेकिन इरम को विश्वास था कि एक न एक दिन वह भी मुराद की भांति घुड़सवारी सीख लेगा। एक प्रातः उनकी मुलाकात किसान जान बायरो से हो गई। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से देखा और पूछा तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? मुराद ने आर्मेनिया की भाषा में बताया मेरा दिल। किसान ने कहा प्यारा नाम है। उसने कसम खाकर कहा कि कुछ सप्ताह पूर्व यह घोड़ा चुरा लिया गया था, क्या मैं इसके मुंह में देख लूं? मुराद ने कहा अवश्य। किसान घोड़े के मुंह में झांका
और बोला, एकदम हूबहू वही दांत। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो शपथ पूर्वक कहता कि यह घोड़ा मेरा है। तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात है, शायद यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अगले दिन प्रातः वे घोड़े को जान बैरों के अंगूर के खेतों में ले गए तथा उसकी पशुशाला में बांध दिए। कुत्ते बिना आवाज के उसका पीछा किए, पर मुराद ने कहा, वे किसी और पर भौंक सकते हैं, मुझ पर नहीं, मैं कुत्तों को साधना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहों को घोड़े के गले में डाल दिया, वह अपनी नाक से घोड़े की नाक दबाया, उसे थपथपाया और चल दिया। उस दिन दोपहर जान बैरो घोड़ा गाड़ी से मेरे घर आया और मेरी माँ को बताया कि घोड़ा चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया। घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर हो गया है, उसका स्वभाव भी बेहतर हो गया है। चाचा खोसराव बैठके में से चिल्लाए, शांत हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया, इस ओर ध्यान मत दो। धन्यवाद।